अपोजिशन नेताओं की तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने जा रही है और इस मुंबई की मीटिंग से पहले कई सारी चीजें खुल करके सामने आ गई है। पहली बार जब मीटिंग पटना में हुई तो पटना में जो मेजबान थे यानी मेहमानों का जो स्वागत किया था उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और नीतीश कुमार अहम भूमिका में थे। नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में मीटिंग की थी और उस मीटिंग के दौरान भारत के कई बड़े दिग्गज अपोजिशन के जो नेता है, कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल हुए थे। दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई थी जहां मेहमान नवाजी की जो जिम्मेदारी थी वो एमके स्टालिन की थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग में किस किस पार्टी के किस किस नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो हम सब खुलासा करने जा रहे हैं। सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस पार्टी के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, कि वहां जो तीन पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टी हैं, लोकल पार्टी हैं, जिनके नेता अपोजिशन की मीटिंग में शामिल होते रहे हैं, उन पार्टियों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। आमतौर से जब किसी बड़े शहर में किसी बड़ी पार्टी की मीटिंग होती है या अलायंस के लोगों की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के दौरान चीजें तय की जाती है कि आपके जिम्मे ये है, आपके जिम्मे ये है, आपके जिम्मे ये है। तो हम बात को बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि जो मीटिंग मुंबई में होगी उसमें तीन बड़ी पार्टियां शामिल है, यानी कांग्रेस भी वहां सत्ते में रही है, शिवसेना सत्ते में रही है, उसके बाद एनसीपी सत्ते में रही है, यानी शरद पवार मेजबान की भूमिका में होंगे, उसके अलावा कांग्रेस के जो नेता है वो भूमिका में होंगे और उसके अलावा जो शिवसेना के नेता हैं वो मेहमानों का स्वागत करेंगे। लेकिन जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, गठबंधन की जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है और लोग कह रहे हैं कि जो सीटों का बंटवारा है, जो अलायंस है, उस पर रणनीति बनेगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहली जो खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मिली है वो एनसीपी की है, यानी शरद पवार जो महाराष्ट्र के बड़े नेता माने जाते हैं, मराठवाड़ा में उनका एक बड़ा वर्चस्व है और भारत की राजनीति में उनका एक बड़ा योगदान और बड़ा असर रहता है, तो उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है सिक्योरिटी की। यानी जितने भी हाई प्रोफाइल लीडर जमा होंगे, राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, एम के स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, भगवत मान हो, अखिलेश यादव हो, इन सारे नेताओं की जो सिक्योरिटी है, यानी जो एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से उनको होटल तक ले जाना और होटल के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो क्रिया होगी और उसके अलावा वहां से फिर एयरपोर्ट तक पहुंचाना, ये सारी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी दी गई है एनसीपी को, यानी शरद पवार और उनकी जो पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुंबई पुलिस से बात हो गई होगी उनकी, सारा जो रूट है वो तय कर लिया गया है और इस सारे मामले पर सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो मिल गया है एनसीपी को। अब आती है बारी कि मेहमान नवाजी कौन करेगा, खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा, रहने का इंतजाम कौन करेगा, तो यह जिम्मेदारी मिली है उद्धव ठाकरे को। संजय राउत उस पूरी भूमिका में होंगे, संजय राउत ने सारा जो सिस्टम है वो तय कर दिया है कि किन नेताओं को क्या क्या खाना पसंद है, किस तरह से उनकी मेहमान नवाजी की जाए, ताकि जो सियासत में लोग आते जाते हैं एक दूसरी जगह तो खाने की प्लेट कैसी होती है, सलीके से किसको क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, ये सारी चीजों जो है वो तय करेंगे संजय राउत, यानी शिवसेना के जिम्मे होगा। और जो तीसरी जिम्मेदारी है वो कांग्रेस को दी गई है, यानी महाराष्ट्र कांग्रेस को जो जिम्मेदारी दी गई है वो मीडिया मैनेजमेंट की है, कि किस तरह से मीडिया के लोग जब आएंगे खबर करने के लिए उनके लिए कौन सी जगह तय होगी, कहां से आप कैमरा लगा करके खबर जो है वो कवरेज कर सकते हैं, कहां कहां आपको किन इलाकों में जाना है, किस उसकी क्या प्रक्रिया होगी, प्रशासन से क्या अनुमति लेनी होगी, जो पास बनाना है। तो तीन बड़ी जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र में तीन पार्टियों को बांटी गई है, एनसीपी के जिम्मे सुरक्षा है, शिवसेना के जिम्मे खाना पीना रहना सहना है और कांग्रेस के जिम्मे मीडिया मैनेजमेंट है। तो लगातार उस खबर को लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की मीटिंग में नेताओं को दे दी गई है।